हमारा बेचिंग प्लांट घोड़ेघाट का, और ये चल रहा है हमारा ग्रेडर, ब्लेड मार रहा है, दोनों का दोनों बूम प्रेशर चौक हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे स्नैप ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज फर्स्ट से और 33 नंबर 43 से कर रहे हैं। और दोस्तों, समृद्धि महामार्ग को बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसका कारण यह है कि लेबर वगैरह पर्याप्त मिल नहीं रही है, मतलब काम करने के लिए। और उसके अलावा यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जो स्लैब का ऊपर की कास्टिंग करता हो, या गटर बनाने, गटर जो बनते हैं उसकी कास्टिंग करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो तो अपना नंबर डाल दें, तो मैं उससे बात कर लूँगा और डायरेक्ट उसकी बात कंपनी के इंचार्ज से करवा दूँगा। और दोस्तों, अभी मैं हूँ 23 नंबर चैनेज पे, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या का काम चल रहा है 23 नंबर चैनेज पे, हमारे समृद्धि महामार्ग पैकेज फर्स्ट नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हर एक वीडियो लाते रहता हूँ। और अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा चालू करके कि यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि पहले ये वाले गटर की लॉन्चिंग चल रही थी, ये वाले गटर पूरे रखना क्लियर हो गए हैं, रख चुके हैं, और अब यहाँ की इस साइड वाले गटर की लॉन्चिंग चालू होने वाली है। ये देख सकते हैं क्रेनें आ चुकी हैं, एक क्रेन यहाँ पर खड़ी है और ये क्रेन आप देखें तो यहाँ से ये खड़ी हुई है, एक क्रेन, दो क्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। और ऊपर यदि मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर गटर के ऊपर स्लैब की इस साइड में ये 23 नंबर चैनेज है हमारा, और इस साइड में यदि मैं आपको दिखाऊं आगे वाले की सेटरिंग लग रही है, और यदि मैं आपको और आगे दिखाऊं तो आगे इसकी भी सेटरिंग लग रही है, देख सकते हैं इस तरीके से सेटरिंग है। और यही काम है कॉन्ट्रैक्टर यदि कोई हो तो, इस तरीके का ये जो गटर दिख रहा है आपको, ये लंबा जैसे कि ये है सामने, ये गटर बनाना है, ये सरिया जैसे कि रखे हुए हैं गटर बनाने के लिए, इस तरीके के गटर के भी लेबर चाहिए है, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो गटर का कास्टिंग करता हो। और ऊपर ऊपर का जो राफ्ट रहता है गटर के ऊपर का स्लैब रहता है, उसकी भी, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर चाहिए कंपनी में। और आगे यदि मैं दिखाऊं तो आगे कास्टिंग हो चुकी है, और ये खड़े हुए हमारे इंजीनियर साहब, आप लोग की डायरेक्ट इन्हीं से बात हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर की डायरेक्ट इन इंजीनियर लोग से बात करवा दूंगा मैं, तो ये कंपनी के जीएम से बात करा देंगे आपकी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ घोड़ेघाट में क्या काम चल रहा है। और यहीं चल रहे हैं दो दो हाइड्रा, तो ये हाइड्रा जो है ये सरिया को उठा के ऊपर भिजा देता है, जिसमें ऊपर शटरिंग में सरिया लग जाए, शटरिंग तो लग चुकी है यहाँ पर, सरिया बिछना बाकी है, तो ये हाइड्रा से की मदद से सरिया को ऊपर भेजा जाता है। ये था हमारा 23 नंबर चैनेज, और अभी मैं आपको घोड़ेघाट का बेचिंग प्लांट दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये है हमारा घोड़ेघाट का बेचिंग प्लांट, यहाँ पर खड़े हुए हैं दो दो सीमेंट के बल्कर, जो कि बल्कर खाली होंगे, सीमेंट से भरे हुए हैं ये बल्कर, और ये साइलो में खाली होंगे। और यदि मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर खड़ी हुई हैं हमारी गाड़ियाँ लाइन से, मिलर वगैरह लाइन से खड़े हुए हैं, और यहाँ चालू है लोडिंग। तो दोस्तों, ये था हमारे घोड़ेघाट का बेचिंग प्लांट, और अभी मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी मिट्टी डल चुकी है, और वहाँ पर चल रहा है ग्रेडर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको अभी ऊपर चढ़ के यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर क्या काम चल रहा है। और यहाँ पर हो चुकी बिंगबाल की खुदाई, इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया है बिंगबाल बनाने के लिए, और ये खड़ा है रोलर,
और मैं अभी ऊपर चढ़ता हूँ। दोस्तों ये चल रहा है डोजर जो कि मिट्टी को डोजिंग करता है, और ये खड़ा हुआ है रोलर, और ये सामने चल रहा है ग्रेडर। तो अभी मैं आपको ग्रेडर के पास से दिखाता हूँ। और दोस्तों इसी जगह में यदि पीछे साइड को आपको दिखाऊं तो इतनी मिट्टी डल चुकी है यहाँ, लगभग 4-5 लेयर मिट्टी डल चुकी है, 4-5 लेयर मिट्टी डल चुकी है। ये बेड किसी ने कॉन्ट्रैक्टर में लिया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो अभी नहीं है पता। ये था कमिंस का डोजर, कमिंस कंपनी का डोजर है, और ये हमारा बेचिंग प्लांट घोड़ेघाट का, और ये चल रहा है ग्रेडर। और ये चल रहा है हमारा ग्रेडर, ब्लेड मार रहा है। और अब इसके बाद चलेगा रोलर, रोलिंग होगी फिर इसके ऊपर पानी डलेगा, उसके बाद में बेड तैयार होगा। ये अभी भी बेड पूरा तैयार नहीं हुआ दोस्तों, लगभग यहाँ पर अभी 2 मीटर मिट्टी आना और बाकी है। पूछते हैं इंजीनियर से कितनी मिट्टी आएगी, अभी कितनी मिट्टी और आएगी इसमें। लगभग 2-2.5 मीटर और मिट्टी आएगी इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है वो इंजीनियर नहीं था, होगा कोई नया लड़का। और यहाँ पर चल रहा है ग्रेडर, रोलर और डोजर, दोनों तीनों चीज चल रही है, ग्रेडर डोजर लोडर, डोजर ग्रेडर और रोलर। तो दोस्तों ये था हमारा 23 नंबर चैलेंज जो कि है घोड़ेघाट में, और इसके बाद में आपको और भी साइड दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा घोड़ेघाट का बेचिंग प्लांट और 23 नंबर चैलेंज, और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को लेकर, जो हमें 22 नंबर चैलेंज पे जाना है, तो अभी मैं जाता हूँ 22 नंबर चैलेंज पे और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है। हम अपने कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक को लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है 22 नंबर चैलेंज पे। तो वीडियो में बने रहें।
दोस्तों 22 नंबर चैनेज पे आए हुए थे हम, और हमारा ये जो बूम प्रेशर हैं दोनों के दोनों बूम प्रेशर चोक हो गए हैं। ये देख सकते हैं, ये वाला बूम प्रेशर भी हमारा चोक हो गया है और ये वाला बूम प्रेशर भी हमारा चोक हो गया। 85 MQ कंक्रीट थी यहाँ पर, 22 नंबर में 85 MQ कंक्रीट थी, तो कंक्रीट तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। ये दो गाड़ी अभी भरी हुई है, ये दो गाड़ी खाली होंगी अभी। अभी दोनों बूम प्रेशर चोक हो गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से खड़ा है और वो पूरा मोड़ के खड़ा हुआ है। और अभी मैं आपको ऊपर का स्लैब दिखाता हूँ जो कंक्रीट कर रहे थे। तो ये था हमारा 85 MQ का स्लैब, और यहाँ पर दो बूम प्रेशर लगे हुए थे, दोनों के दोनों ख़राब हो गए। और यहाँ पर PQC DLC हो चुका है, और इस साइड भी PQC DLC हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को। भारत माता की जय दोस्तों।